आगे यूएई के अबू धाबी में बना हिंदू मंदिर 1 मार्च से आम लोगों के लिए खुल चुका है। पहले रविवार को यहां पर 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विहंगम दृश्य यहां पर देखने को मिला। भक्तों की मंदिर में लंबी कतार भी देखी गई। बस और कार से लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। 2,000 की बैच में लोगों को दर्शन के लिए भेजा गया। मंदिर पहुंचने वालों में अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई में रहने वाले भारतीय शामिल थे। 40 साल से अबू धाबी में रहने वाले एक भारतीय परिवार ने कहा कि इस घड़ी का इंतजार हम वर्षों से कर रहे थे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया था। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की तारीफ की और कहा कि भीड़ होने के बावजूद भी लोगों ने दर्शन में काफी सहयोग किया, धैर्य बनाए रखा। धैर्य से अपनी बारी का इंतजार उन्होंने किया। हिंदू मंदिर ने अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बनाया है, क्योंकि अबू धाबी का यह पहला हिंदू मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ था। आपको याद होगा फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री गए थे और यहां पर उनको खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसकी नींव रखी गई थी। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो कितनी खूबसूरती से इसे तैयार किया गया है और कितना इसमें मेहनत लगी है, कितना परिश्रम लगा है, वो तो न्यूज़ 18 ने भी आपको दिखाया था। और अब जब 1 मार्च से ये पहला हिंदू मंदिर यूएई का अबू धाबी में जो बना है ये शुरू हो चुका है और लोग दर्शन करने जा सकते हैं, तो दर्शन करने के लिए 65,000 से ज़्यादा भक्त पहुंच गए। 1 मार्च से श्रद्धालुओं के लिए खुला है ये मंदिर और बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर तरीके से इस मंदिर को तैयार किया गया है। और इसी के साथ खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।